नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल MS ऑटोमेशन में। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा मिट्सुबिशी PLC है और मिट्सुबिशी सर्वो ड्राइव है, इसकी प्रोग्रामिंग जो है हम कैसे करते हैं। इसकी एक मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें आप जो सर्वो का सॉफ्टवेयर है वो कैसे डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल करते हैं, साथ में उसकी वायरिंग है जो PLC के साथ में कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग कैसे करते हैं सर्वो की और PLC की, मिट्सुबिशी FX3 सीरीज़ की PLC है कैसे करते हैं, वो इस प्लेलिस्ट में मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट में जाके आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं, और मैं इस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आई बटन पर दे दूंगा, वहाँ से आप इसमें कंप्लीट इसकी जो और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपको इसकी प्रोग्रामिंग करके दिखाऊंगा, प्रोग्रामिंग कैसे करती है। ठीक है, तो चलो चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है, जैसे ये पहले तो मैंने सर्वो का सॉफ्टवेयर है वो ओपन कर रखा है और ये PLC का सॉफ्टवेयर है, ये दोनों चीज़ें ओपन कर रखी है। ठीक है, अब मैं इनकी जो केबल है केबल भी इसके साथ में लगा लेता हूँ। तो ये हमने जो है PLC की और उसकी केबल हमने लगा ली है, PLC to PC और सर्वो ड्राइव टू PC। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सर्वो ड्राइव में जो है रीड कर लेता हूँ इसकी पल्स पर सेकंड क्या डली हुई है, सॉरी पल्स PPR, मतलब कि कितनी पल्स में वो एक राउंड लेगा। देखिए, नंबर ऑफ कमांड इनपुट पल्स पर रेवोल्यूशन, ये डली हुई है 5000। ठीक है, तो 5000 में ये एक राउंड लेगा, तो उसी के हिसाब से मैं इसमें एक प्रोग्राम बनाकर आपको दिखाऊंगा। ठीक है, FX3 यहाँ से ओके कर लेता हूँ। ठीक है, मैं प्रोग्राम LD SM0 LD SM0। ठीक है, यहाँ से PLSY ये इसकी फ्रीक्वेंसी दस हज़ार ही पल्स देंगे SY0। ठीक है, यहाँ से मैं इसको कंपाइल करता हूँ। कंपाइल करने के बाद यहाँ से मैं राइट टू PLC कर देता हूँ, कैन नॉट कम्युनिकेट। यहाँ से मैं इसके कम्युनिकेशन की सेटिंग देख लेता हूँ। यहाँ से मैं 232 सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके। यहाँ से PLC मॉड्यूल नो स्पेसिफिकेशन के कनेक्शन टेस्ट, यहाँ से मैं एक बार पोर्ट की सेटिंग देख लेता हूँ जो हमारी केबल लगी कौन से पोर्ट पे लगी है। सॉरी, PLC साइड में हमने जो है केबल लगाई नहीं है, ये मैं केबल लगा देता हूँ तब ये वहाँ पे शो नहीं कर रहा। यहाँ से देख लिए COM4 पे शो कर रहा है, तो यहाँ से मैं COM4 सेलेक्ट कर लेता हूँ। COM3, COM4, ओके। कनेक्शन टेस्ट कनेक्टेड सक्सेसफुली,
ओके, ऑनलाइन राइट टू पीएलसी, यहाँ से प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये एग्जीक्यूट। ये प्रोग्राम इसमें डल चुका है। ठीक है, अब मैं एक साइड में एक अलग से वीडियो आपको दिखा देता हूँ सर्वो मोटर की। यहाँ से मैं इसको मॉनिटर ले लेता हूँ, मॉनिटर मोड। यहाँ से मैं जैसे इसको ऑनलाइन करूँगा, यो ठीक है। अब मैं एक वीडियो आपको साइड में दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देख लिए, ये हमारी पीएलसी है FX 3S, ये मिट्सुबिशी की सर्वो और ये हमारी मोटर। अब ठीक है, जैसे मैं यहाँ से दोबारा इसको चलाता हूँ, आप यहाँ से इसको देखना, ये ऑन हुआ, ये ऑफ हो गई। ठीक है, मतलब जो हमारे सर्वो ड्राइव में है, सर्वो ड्राइव में जो पल्स कमांड का जो पैरामीटर डला हुआ है, ये वाला PA05 नंबर ऑफ कमांड पल्स पर रेगुलेशन, मतलब 5000 डला हुआ, मतलब 5000 पल्स देंगे तो ये एक राउंड मारेगी। ठीक है, अब यहाँ से हम देख लिए आउटपुट में 10000 की फ्रीक्वेंसी से 10000 पल्स दे रहे हैं, मीन्स तो ये एक सेकंड में जो है दो राउंड यहाँ पे मारेगी। ठीक है, 10000 पल्स, 5000 पे एक राउंड, 10000 पे डबल राउंड। ठीक है, ये देखिए, यहाँ से दोबारा मैं मारता हूँ, ऑन कराता हूँ, देखिए दो राउंड इसने मार दिए। ठीक है, अब दोबारा से चेक कर लेना आप यहाँ से, यहाँ से अगर आपको कोई दिख रहा है तो यहाँ से आप दोबारा देख लेना ये कितने राउंड मारेगी। जैसे ही मैं इसको ऑन कराता हूँ, ये दो राउंड मारे इसने। ठीक है, अब यहाँ से मैं आपको इसका एक राउंड दिखाता हूँ। यहाँ से मैं क्या करूँगा, मॉनिटर राइट मोड, ओके, यहाँ से मैं डाल देता हूँ 5000, कंपाइल, ऑनलाइन राइट टू पीएलसी, एग्जीक्यूट। ठीक है, यहाँ से मैं इसको जैसे ही ऑन कराऊंगा, हाँ जो है हमारी सर्वो है वो एक राउंड मारेगी, ये मैं आपको वीडियो में दिखा देता हूँ। ये देख लिए, हाँ सिर्फ इसने एक ही राउंड मारा। ठीक है, तो ये तो हो गई PLS वाई की इंस्ट्रक्शन। अब मैं आप दिखाता हूँ, जैसे हम इसका सर्वो का है अभी, तो क्या ये एकदम से क्विक ये अपनी टॉप स्पीड पकड़ ले लिया और एकदम से बंद हो जा रही है। अब मैं आपको दिखाऊंगा इसको एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन के साथ में इसकी प्रोग्रामिंग की जो है इंस्ट्रक्शन है वो क्या होती है। ठीक है, यहाँ से मैं दोबारा आपको एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन वाली जो है वो करके दिखाता हूँ, इंस्ट्रक्शन कैसे लगाती है, जिसमें कि हम सर्वो कर्व मोड में जो स्पीड को उठा सकते हैं। ठीक है, LD SPACE M0 PL SR SPACE, यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रहेगी हमारी जो भी रहेगी, मान लो मैं 1,00,000 कर देता हूँ, 4 SPACE, मतलब 1,00,000 पल्स देगी एक सेकेंड में। और इसके बाद फिर हमारी जो है आउटपुट रहेगी भाई कितनी हमें पल्स निकलवानी है आउटपुट से। ठीक है, हम पल्स निकलवाएंगे 20,000, 1, 2, 3 स्पेस, और एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन जो है टाइम रहेगा यहाँ पे, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कि 1000, मतलब 1000 मिली सेकेंड है ये, और
यहाँ पे वाई ज़ीरो, ये ओके। सो अब ये देखिए यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन क्यों नहीं ले रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने 1 लाख लिया है, तो ये मतलब हमारे जो सिंगल वर्ड में जो वैल्यू होती है वो 32,000 कुछ होने का जो है रजिस्टर लेने पड़ेंगे, तो इसके लिए मैं आगे डी लगा दूंगा। तो ये इंस्ट्रक्शन को ले लेगा, ठीक है। कंपाइल ऑनलाइन राइट टू PLC एग्जीक्यूट, यस ठीक है, ओके क्लोज। अब यहाँ से मैं इसको वैल्यू को जो है मॉडिफाई कराता हूँ। यहाँ से मैं आपको सर्वो जो साइड में स्क्रीन है उसमें सर्वो की जो है वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ से मैं इसको जैसे ही ऑन कराता हूँ, ये देखिए एसेलेशन डी एसेलेशन में चल रही है, मतलब धीरे से ये आराम से उठती है, एकदम से स्पीड पकड़ती है, ठीक है। मैं जैसे एसेलेशन डी एसेलेशन इसका और बढ़ा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे 1 लाख की पल्स यहाँ पे मैं कर देता हूँ 20,000 की जगह पे 40,000, ठीक है। ये एसेलेशन डी एसेलेशन मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ, जिससे आपको 1 सेकंड की जगह पे 2 सेकंड कर देता हूँ, जिससे आपको आसानी से जो इसका एसेलेशन डी एसेलेशन दिख जाए, ठीक है। यहाँ से मैं इसको कंपाइल करने के बाद ऑनलाइन राइट टू PLC एग्जीक्यूट, यस ठीक है। हम देख लिए, यहाँ से मैं इसको जैसे ही ऑन कराता हूँ, ये देखिए देखिए धीरे से स्टार्ट होती है, फिर ऑफ हो जाती है। ये देखिए आपको एसेलेशन डी एसेलेशन अब साफ दिख रहा है इसमें, ठीक है। तो ये हमारा एसेलेशन डी एसेलेशन हम इसको PLC की हेल्प से करा सकते हैं। तो होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। अगर वीडियो में कोई डाउट है तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की। ओके थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। और हाँ, चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।